वेलकम बैक टू अवर चैनल दीप कटाना। तो कैसे हो आप सब, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो भाई हम भी बहुत बढ़िया। भाई हमारे सामने खड़ी है महिंद्रा थार, पर आप देख रही होगी फ्रेम में स्कॉर्पियो, महिंद्रा की स्कॉर्पियो क्लासिक एस। ये क्लासिक एस, ये है बेस मॉडल, जो वैल्यू फॉर मनी है कह सको या कुछ भी कह सको आप, वो चीज़ मैं अभी ओनर से पूछूंगा। भाई दोनों ही एक ओनर की है, एक ओनर से बात करेंगे क्या कुछ रीज़न है कैसे लेने का। भाई दोनों ही एक जैसी ले ली भाई महिंद्रा के, इतने तगड़े लवर। तो भाई हमारे ओनर है हिमांशु भाई। हिमांशु भाई क्या हाल है? तो भाई हम भी बढ़िया भाई, स्माइल देख के पता चल रही होगी भाई की। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर न्यू स्कॉर्पियो। तो भाई भाई वो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बताओ भाई, अब मैं एक वो चीज़ पूछूंगा यार, दोनों ही एक जैसी, मतलब महिंद्रा से इतना प्यार कैसे है या कुछ और रीजन है? भाई एक तो महिंद्रा की रिलायबिलिटी बहुत पुरानी से बड़ी अच्छी है भाई। हाँ भाई, एक क्योंकि तो सर्विस, हाँ एक तो इससे भाई जब ये आई थी ना, इसका अलग ही हो रहा था भाई, अलग ही टो रहा था। अब भाई मैं एज अ जिमनी लवर, भाई मैं जिमनी बुक कर रहा है, देखो इस चीज में कोई बुराई नहीं है, बहुत जल्दी जिमनी भी आ जाएगी भाई, अपडेट दे दूंगा इसी चैनल पर। अब मैं ये पूछूं भाई, जैसे आप अगर महिंद्रा थार होते हुए तो आपने यू क्यों ली ये स्कॉर्पियो? ये फैमिली के लिए, वो अपने लिए लिए मतलब कॉलेज वगैरह जाने के लिए, मतलब नॉर्मली अपने घूमने वगैरह के लिए भाई, उसमें ना फैमिली नहीं आ सकती, ज्यादा तो दो बंदे आ सकते हैं। हाँ मतलब दोस्त ही आ सकते हैं उसमें, जैसे हम जैसे दोस्त हो गए या ये वाले दोस्त हो गए, मतलब वो बैठ सकते हैं बस नॉर्मली। और इसमें भाई आराम तो पूरी फैमिली भाई, इसमें स्पेस भी है पीछे भी है। एक बार भाई अब मुझे ये दिखाओ, ये वाली की है भाई, अब तो नई वाली की आने वाली है, फ्लिप की, वैसे फ्लिप की है, नॉर्मली कुछ है नहीं। अब ये बताऊँ मैं ये पूछूँ कि जैसे अगर आप इन दोनों में तो फेवरेट कौन सी है? थारी फेवरेट। अच्छा मुझे ये बताओ आपने फिर ब्लैक स्कॉर्पियो क्यों नहीं ली? अब जब मान ली ब्लैक कार थार ले रखी है तो ब्लैक ही लेना। पापा की पसंद थी, व्हाइट लेनी थी। ये अच्छा तो पसंद थी। अच्छा अच्छा एक बाप की एक बेटे की। हाँ। भाई ये ठीक है। अब आ जाओ भाई पीछे बैक से, अब दोनों की मैं पीछे की बैक लुक अगर एक फ्रेम में दिखाऊं तो भाई से पूछ के बताता हूं। भाई देखो एक फ्रेम में देख लो भाई दोनों को कितनी प्यारी लग रही भाई, देख दोनों गाड़ी। अब ये बताऊं भाई आपने ये स्कॉर्पियो क्लासिक एस लिए, भाई देख लो पीछे बैजिंग मिल रही है, S11 नहीं है ये, नॉर्मल मतलब जो मतलब नीचे वाला मॉडल है। फिर स्मिथ भाई अलॉय व्हील आती नहीं है, आपने कैसे इतनी जल्दी बाहर से डलवा दिए? भाई बात की थी बस उस शोरूम वालों से, वहीं से चेंज करवा दी। कितने के पड़े थे भाई ये? भाई ये 35। अच्छा 35,000 के। भाई एज अ महिंद्रा लवर, अब मैं महिंद्रा लवर बोल सकता हूँ आपको, एज अ महिंद्रा लवर भाई कौन सी ज्यादा कंफर्टेबल है, ये वाली या ये वाली? आप सिंगल बंदे या डबल बंदे की बात कर रहे हो ना, तो ये कंफर्टेबल है भाई। अच्छा अगर जैसे, और ये पूरी फैमिली के लिए बेस्ट है भाई, सब बता फैमिली के लिए बेस्ट कार है ये। मान लो आप इतनी ऊंची क्यों ली फिर यार फैमिली के लिए? आप चलो फॉर्च्यूनर तो और ऊंची होगी, ओवर प्राइज्ड लग दिया है, कुछ भी है, फॉर्च्यूनर के बारे में तो मैं बाद में बात करूंगा। ये बताओ अगर इसकी इसी प्राइस रेंज में 18-19 कितने की पड़ी थी भाई ये पहले? 13-14 की। हाँ क्योंकि वाला मॉडल स्कॉर्पियो एन क्यों नहीं ली फिर नॉर्मल मोड? मुझे अच्छी लगी वो, ऐसे लगता वो वाली बात है ना, वो वैगनर वाली फील आती है पीछे से। भाई देखो दोनों गाड़ियों का ना रुतबा ही अलग है, सच बताऊं ये दोनों ना रोड प्रेजेंस तो देखो दोनों का है ही यार पर। अब बताओ भाई दोनों में ना एवरेज क्या क्या सीन है एवरेज का, ये कितने की देती है? ये एवरेज दे दी भाई लास्ट 10 की दिखाती है, क्योंकि ऑटोमेटिक है ना, ऑटोमेटिक है ये, मैं बताता हूं लास्ट 10-11 दिखाती है। हां देती उससे भी बढ़िया, इससे बढ़िया फॉर्च्यूनर दे देती है। अच्छा जी, अच्छा जी फॉर्च्यूनर आप पे है ना? हां भाई भाई पे फॉर्च्यूनर भी है, तीन गाड़ी है भाई पे, ये तो अपने यही खड़ी है। फॉर्च्यूनर बड़े भाई वो नहीं देते, मतलब किसी को, ये बाप की होगी ये बेटे की, यार फॉर्च्यूनर दोनों बड़े भाई। अच्छा ये बताओ भाई अब मैं एक नॉर्मली बंदा जैसे आप बाहर खड़े हो किसी और के, ये दोनों गाड़ी अगर नॉर्मली मैं ले, मतलब जैसे मैं आपको कहता हूँ भाई इन दोनों को, इन दोनों में से चूज करो कौन सी लोगे? अच्छा इस पे दिलाया है। अच्छा थार 4x2 का क्या कहना भाई आपका? जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि भाई रोड पे चलना हुआ भाई, भाई ये सेक्टर 65 से तो भाई रोड मतलब लोकल भी है ठीक है, बट इतना लोकल नहीं है भाई। अब तो भाई रोड देखो सरकार में बढ़िया रोड चल रही है। अब आ जाओ भाई स्कॉर्पियो में बैठते फिर थार पे आते बारी में, तो भाई आ जाओ स्कॉर्पियो में बैठो पहले, मैं अनलॉक कर लूँ भाई इसको पहले। आ जाओ भाई, भाई एक चीज बताओ, अब जैसे मैं न्यू लोग हुआ इसमें अभी, उसमें चलो पुराना वाला ही अभी नहीं आया ये यार, फील तो नहीं है वो वाली फील नहीं है यार। हाँ भाई वो वाला मजा भी नहीं जो पुराने में आता था ना। अच्छा वो झूला सा कुछ भी कह लो, पावर भी नहीं है, पावर भी नहीं है। एक बार भाई स्टार्ट करके देखते स्कॉर्पियो को ना,
एक बार देखूं मैं, मैंने भाई ऐसी 11 टॉप मॉडल तो देख रखी है बट ये वाली मैंने कम देखी है। वैसे बताते भाई ये वैल्यू फॉर मनी कार है, क्योंकि भाई 13 लाख रुपए में यार क्या मिलता है, कुछ नहीं मिलता यार आज के टाइम। हाँ जी, इसमें 1.5 लाख रुपए के लगा के एस्लॉन बन जाएगी भाई ये। अच्छा जी, इसमें हैंडल भी, हाँ मतलब जो इसके सिस्टम मीटर में जो इसका सब कुछ 1.5 लाख रुपए में भाई। ये नीचे यहाँ मिलते पावर विंडो वगैरह देख लो भाई, यहाँ मिलते हैं। हाँ भाई ये भी चेंज हो जाएंगे उसमें, ये भी है हाँ, जिस ये भी 1.5 लाख रुपए में यार, सस्ती सस्ती हाँ। पड़ रही है भाई। अगर जालो समेत क्या हो गया, 2-10 में बोल रहा था। ये बात भी भाई, ये इसमें एप्पल ये भी चेंज करवाई है आई कंपनी, मैंने करवाया ये भी सब चेंज करवाया भाई। म्यूजिक सिस्टम कितने का डला भाई? तो ऐसे बड़े भाई ने करवाने इसको, प्रॉफिट में पूछा था, वो बोला था 60 आ गया था खर्चा। फ्लोर मैट कराया है, डैम्पिंग कराई है, और ये भी कराया है हाँ, ये ये सीट कवर वगैरह। अच्छा ऐसे भाई वो भी नहीं आता था, क्या कहते साइड ब्लॉक वो भी लगवाया था। तो भाई मैं आपके अगर दोस्तों से पूछूं तो भाई इनसे पूछता हूं भाई, अलग राय पूछूंगा भाई। साहिल भाई अगर मैं भाई की दो गाड़ी थार स्कॉर्पियो, अगर दोनों में भाई आपकी फेवरेट कौन सी है, मतलब अगर आपको मैं चूज करने के लिए बोलो भाई कोई सी ले जा, कौन सी ले जा? स्कॉर्पियो लोगे? भाई भाई कह रहे थे थार लूंगा, और भाई की थार ऑटोमेटिक है यार, दो स्कॉर्पियो आएगी। हाँ ये बात है भाई, दो स्कॉर्पियो भाई के पास, भाई घाटे से नहीं भाई, थार की क्या जरूरत, जो हमको चीज पता है अच्छी है तो वही अच्छी चीज लेंगे ना। हाँ ये बात है, ट्राई भी तो करना चाहिए, भी आएगी चाचा पे भाई, पर सौ अपनी जगह है, सौ अपनी जगह है भाई। ये बात स्कॉर्पियो जैसी फीलिंग नहीं आएगी थार में, हाँ स्कॉर्पियो जैसी फीलिंग नहीं आएगी भाई थार। और फिर भाई फैमिली लिए ना, अगर फैमिली, वैसे भाई बंदे बहुत आ जाते हैं इसमें भी, पर भाई हमें नहीं, 10 बैठ के आए 10 बंदे तो हमें तो भाई 10 बंदे बैठ गए, ये भी बात है, कोई नहीं भाई ने चला दिया 868 किलोमीटर। तो भाई चलान मतलब कितनी दूर ले गई, से लंबी ट्रिप मारी अभी नहीं मारी? लंबी ट्रिप तो 100-150 किलोमीटर ना चली अभी, वैसी नॉर्मल चल रही है, लोकल लोकल में चल रही है, लोकल वोकल में। भाई अब एक चीज पूछूंगा भाई मैं, स्कॉर्पियो थार और फॉर्चुनर तीनों में ड्राइविंग कंफर्टेबल किस में है? फॉर्चुनर में वो वाली फील आती होगी उसमें हालने वाली, फेंक देती हाथ को। अच्छा एकदम वो मतलब एक लैग सा मारती है दूर। हाँ तो भाई ये भाई ये आ गए अपने राजा को, विनते पूछता हूँ भाई फील क्या है भाई, हाँ बताओ भाई राजू क्या हाल है? बढ़िया भाई, क्या आगे? तो भाई पीछे वाली अब से कंफर्टेबल है या नहीं? आप पुरानी वाली स्कॉर्पियो है तो पुरानी वाली से ये पुरानी ना, नहीं ये 2018 मॉडल है। हाँ मतलब हो तो गई ओल्ड फेस लिफ्ट, मतलब बढ़िया ये दोनों ही। उससे ज्यादा कंफर्टेबल है कम है? सही है भाई, नई में तो थोड़ा फर्क आता ही है आपको पता है। अच्छा भाई नई में फर्क आता भाई, ये चीज है। तो भाई तो भाई वो क्या बोलते हैं उसको, इम्प्रूवमेंट करके ही तो डालते आगे। भाई एक चीज बताऊं, अब करेंगे हम ड्रैग रेस, ठीक है, कुछ दिन बाद या कल या परसों या आज ही कर लेंगे भाई, अगली नेक्स्ट वीडियो देख लेना आप, और हम करेंगे ड्रैग रेस न्यू स्कॉर्पियो, तो हाँ पुरानी स्कॉर्पियो वर्सेस न्यू स्कॉर्पियो, ठीक है भाई। और कमेंट कर दो भाई कौन सी बेस्ट है भाई की, थार की, अब दूसरी नेक्स्ट वीडियो देख लेना भाई, थार ज्यादा कम्फर्ट मतलब बेस्ट है या ये वाली, और भाई की भी बता दो कमेंट करके कि कौन सी अच्छी है। भाई की तो ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक थार को, थार है भाई ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक गाड़ी वो लंगड़े लूलो की है, लंगड़े लूलो की नहीं है वो, थोड़ा अगर पैसे डालोगे ना 50-1 लाख रुपए तो बड़ी गाड़ी में ऑटोमेटिक में मजा आओगे। हाँ ये बात है भाई, कती रियल बात कही है, छोटी मोटी गाड़ी में तो मजा ना। हाँ तो भाई वीडियो देखने धन्यवाद, थैंक यू सो मच, और चैनल पे नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, तब तक के लिए बाय बाय।